हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो। आज है हम लोग का फ्रेशर्स पार्टी का सेकंड डे तैयारी का। हम लोग सामान लेने के निकले थे। फिलहाल मैं अपना कॉपी भूल गया था जिसमें हमारा जरूरी चीज़ें लिखी हुई है, तो वो लेने आए थे और कुछ चीज़ों का ऑर्डर भी दिए हैं। देन हम लोग फिर अभी कॉलेज जा रहे हैं, साफ सफाई का काम कराना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में, चलते हैं कॉलेज की ओर। अब मेरे साथ है बीड़ू लोग भी हैं। अच्छा, बैठना है, चलो बाल तो देख। हम लोग का काम अभी प्रगति पे है। यहाँ डेकोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ जितना भी टेबल है सब सज गए हैं। उसके बाद हम लोग को मेन काम सजावट है, वो इधर चल रहा है। अभी प्रवीण लगा रहे इधर का क्या। हाँ, ये वहां से, ये प्रवीण है। दिखा या नहीं दिखा ये नहीं पता। हाँ, अच्छे से देख लो, ठीक है। वीडियो बना और खुद देखना कि क्या मिस्टेक किए हो। हम लोग की तैयारी काफी अच्छे से चल रही है, लेकिन बहुत सारा डेकोरेशन बचे हुए हैं। अभी ये लोग डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ कितना दूर बनहिल, कितना किलोमीटर। अच्छा, अभी अभी चले जाए वो बंद है, कल के लिए नहीं अटकाने यार, दूर एरिया है। सुनना, एक जने यहाँ से 1,000 में वहाँ देखते दो टाप कर दिए। ठीक तो है नवीन नितिन, हाँ 2,500 में दे वहाँ भी। हाँ बात कर, हम लोग का डीजे का झंझट हो रहा है, उसके लिए बात कर रहे हैं भाई लोग और कॉल वगैरह कर रहे हैं। इधर सजावट लगभग हो चुके हैं और सामान लाए हैं, और बाकी कब होगा। अभी प्रैक्टिस चल रही है, नहीं कल सुबह। अभी वीडियो वगैरह चेक कर रहे हैं और उधर नाश्ते के लिए देख रहे हैं, करेंगे। हाँ, अरे इधर डेकोरेशन का जो बचा हुआ था हम लोग का, भाई लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इधर थोड़ा सा बस बचा है, बाकी सब फिर हो जाएगा। भूखा प्राणी मेरा छोटा भाई है, भूखा प्राणी। अभी मेरी बारी परफॉर्मेंस तैयार करने की, इन लोग के साथ करूंगा मैं भी एक परफॉर्मेंस एड ऑन की तरह। हम लोग का काफी सारा काम बच चुका है, अंधेरा हो गया है, लेकिन जाना पड़ेगा, भैया लोग बंद करा रहे हैं इसलिए। बनाहिल नगरदा नगरदा कति मेरा ओके बंद। सो गाइस, काफी टाइम हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं और मैं अभी घर आ रहा हूँ कॉलेज से। बीच में रास्ते में कुछ कुछ सामान भी ले लिया और डीजे के लिए जो बात कर लिया। क्या है ना, डीजे का थोड़ा हम लोग का बहुत दिक्कत है यार, लाइटनिंग अच्छी नहीं आ रही। मैं घर जाके बात करता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी लाइटनिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि डीजे के बारे से है ना, तो डीजे हम लोग को बाहर से मिला था, अपने गांव से कुछ 10 या 12 किलोमीटर के अराउंड की दूरी से, ठीक है। और उनका रेट थोड़ा रेट के हिसाब से ना हम लोग को महंगा पड़ रहा था एक तो, और हम लोग को 10 बजे से 5 बजे तक का टाइम दिए थे, 6 बजे पहुँचाने जाना है। और ऐसा भी है कि दूर है, रिस्की चीज है, बाइक में लाना है ले जाना है, गिर गया तो हम लोग उल्टा लेने के देने पड़ जाएगा, इसलिए उसको कैंसिल कर दिए, ठीक है। और एक तो शाम के टाइम आजकल थोड़े जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, और दूसरी चीज की बजट भी देख रहे थे। वैसे हम लोग को ना रिस्की चीज में बजट की उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि ना 2 रुपया एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन ना दिक्कत ना कुछ आपातकालीन स्थिति वाला पैदा ना हो जाए, ठीक है। और हम लोग को और एक्स्ट्रा खर्चा ना निकल जाए उस चक्कर में, 2 रुपये बचाने के चक्कर में, इसलिए।
और फिर उसी गांव से दूसरे डीजे को बात किए ना, तो वो लाऊंगा भी ले जाऊंगा भी करके बात किया, और हम लोग को जितना टाइम तक बजाना है उतना टाइम तक वो रखने वाला है, इसलिए उसको डन किया। और अभी घर आया हूँ फिलहाल, जो मैं जीन्स लिया अभी कपड़ा लिया उसमें थोड़ा अभी चेक किया तो थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, तो उसको मुझे वापस करना पड़ेगा। देन अभी मेरी हालत तो देख रहे हो, पसीना पसीना, वैसे कैमरा में उतना नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरी हाल बेहाल है। सो अभी मैं तैयार होऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर मुझे गाना एडिट करना है सबसे मेन, मुझे गाना बनाना है। देन गाना की तैयारी करनी है, मुझे गाना भी गाना है, सिंगिंग करना है, डांस परफॉर्मेंस करना है, और हाँ एंकरिंग का चार्ट तैयार करना है, बहुत सारा काम बचा है। और हो सके तो मुझे कल बहुत जल्दी उठ के जाना पड़ेगा कॉलेज, ये एक तो मेन दिक्कत है, और मैं सुबह उतना खास जल्दी से उठ नहीं पाता हूँ आजकल, वैसे मुझे 6 बज जाता है और 6 बजे जाना ही जाना है मुझे सुबह उठ के, और मैं अगर जल्दी से नहीं गया ना तो बाकी लोग भी नहीं आएंगे अगर मैं नहीं गया तो ये भी एक दिक्कत है यार, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है। देखो अभी 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, मैं अभी घर आ रहा हूँ, कल भी वैसे टाइम हो जाएगा। पता है कॉलेज में फंक्शन कराना ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, पिछली बार भी पिछले जब मैं फेयरवेल कराया था हम लोग तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया था हम लोग को घर आने में, 9:30 बज गया था जिस दिन हम लोग पार्टी दिए थे फेयरवेल अपने जूनियर मतलब सीनियर्स को। और आप इस बार देखते हैं मैनेजमेंट कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से किए हैं, तो टाइम हमें नहीं लगना चाहिए उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट किए हैं, और बाकी नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं तब हम देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को समय लगेगा, कैसा क्या क्या जाएगा, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।